हेलो एवरीवन, हम आदर्श गैस समीकरण में संशोधनों की बात कर रहे थे। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरट जो सभी आदर्श गैसों के लिए लागू होती है, परंतु गैसें आदर्श होती नहीं है क्योंकि इनका जो आयतन है वो वास्तविक से थोड़ा अलग होता है, दाब भी वास्तविक से थोड़ा अलग होता है। इसका कारण हमने देखा था कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के दो अभिग्रहित थे वो दोषपूर्ण थे। तो वांडरवाल ने दाब और आयतन में संशोधन किया था, तो हमने पिछले क्लास में आयतन पद में संशोधन किया था, आज हम दाब के पद में संशोधन करना चाहेंगे। तो जैसे दाब के बारे में बात करें तो ये कोई बंद पात्र है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। अब आदर्श गैस के अनुसार अपन को ये मानकर चलना पड़ेगा कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं है, हालांकि होता है, पर आदर्श गैस समीकरण यही मानकर बनाई गई थी। अब यहां कोई अणु B है और यहां कोई अणु A, तो B पात्र के बीचों बीच में है जो चारों तरफ से ही अपने जैसे अणुओं से घिरा हुआ है। अब पात्र के अंदर अणु आएगा, पात्र की दीवार से टकराएगा, फिर ये लौटकर इधर दूसरी दीवार से टकराएगा। इस प्रकार से गैस के अणु पात्र के अंदर निरंतर गैस के पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। तो गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब ही गैस का दाब होता है। अब यहां पर ये पात्र के बीचों बीच अणु भी है जो चारों तरफ से अपने जैसे अणुओं से घिरा हुआ है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, यानी कि इस अणु को चारों तरफ से अन्य अणु अपनी अपनी तरफ से खींच रहे हैं। तो जैसे हमें कोई चारों तरफ से एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक आगे एक पीछे बराबर बल से खींचे, तो हम जहां का जय रहेंगे किधर की साइड में विस्थापित नहीं हो। तो इस अणु के भी चारों तरफ एक जैसे अणु है तो चारों तरफ से ये बराबर खिंचाव महसूस कर रहा है, इसकी वजह से इस पर कुल परिणामी बल जीरो हो जाएगा और ये अपनी वास्तविक और नियमित चाल से गति करता रहेगा। लेकिन यहां अणु ए की बात करें तो ये पात्र की दीवार से टकराने वाला है, तो अब इसके बाद में सीधी दीवार है तो बीच में अणु है नहीं, लेकिन पीछे तो अणु है, तो इस समय ये पीछे के अणु इस ए अणु को आकर्षित कर रहे हैं। आगे कोई अणु है नहीं, तो ए अणु जब पात्र की दीवार से टकराने जा रहा है तो उसके पीछे के अणु उसको पीछे की ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो जितना धक्का वो पात्र की दीवार पर देना चाहेगा उससे थोड़ा कम दे पाएगा क्योंकि पीछे से खिंचाव महसूस कर रहा है। तो ये अपने वास्तविक दाब के बराबर दाब पात्र की दीवार पर नहीं लगा पाएगा, बल्कि अंतरा आणविक आकर्षण बल जो पीछे की तरफ लग रहे हैं उसकी वजह से पीछे थोड़ा खिंचाव महसूस करेगा, तो अपनी पूरी ताकत से पात्र की दीवार से टकरा नहीं पाएगा। इसलिए इसका जो परिणामी दाब जो वास्तव में होना चाहिए वो उसकी अपेक्षा थोड़ा कम दाब लगेगा। इसलिए यहां अणु का जो दाब है वो वास्तविक दाब की अपेक्षा कम हो जाएगा, क्योंकि अपन इसको आदर्श गैस मानकर चलेंगे तो वहां कोई आकर्षण नहीं है, तो ये जितना दाब लगेगा सैद्धांतिक रूप से अपन उतना ही मान के काउंट करेंगे। लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि पीछे कुछ अणु अंतराणविक आकर्षण बल की वजह से इसको खींच रहे हैं, तो जो दाब अपने आदर्श गैस के अनुसार काउंट किया था उतना लग नहीं रहा, बल्कि उससे थोड़ा कम लग रहा है, तो वास्तविक दाब थोड़ा अलग आ जाएगा, आदर्श गैस के दाब की अपेक्षा कम हो जाएगा। अब ये अणु जितने अधिक अणुओं से घिरा रहेगा उतना ही पीछे की ओर आकर्षण महसूस करेगा, यानी कि उतना ही ये पात्र की दीवार पर अपेक्षाकृत कम दाब डाल पाएगा। तो अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा यानी गैस का घनत्व जितना ज्यादा होगा ये दाब उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन m बटा v, और n अगर गैस के मोलों की संख्या है तो n m बटा v, ये इसका घनत्व हो गया। लेकिन कोई भी अणु चारों तरफ से अन्य अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है, इस वजह से ये गैस एक तो गैस का अणुभार है तो ये सभी अणुओं के लिए स्थिरांक है तो इसको हटा सकते हैं और n बटा v का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अणु चारों तरफ से अन्य अणुओं को आकर्षित
और ये जो मान हो जाएगा ये अपने P के लिए मान हो जाएगा P डैश, क्योंकि अपना जो PI है तो PI माइनस P, तो वास्तविक दाब है P, PI जो होना चाहिए था उससे थोड़ा P डैश के बराबर कम हो गया जो पीछे से आकर्षण महसूस कर रहे थे, तो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस P डैश, और ये P डैश गैस के घनत्व के स्क्वायर के समानुपाती होगा। अब यहाँ समानुपाती कौन रहेंगे तो स्थिरांक a लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा v स्क्वायर, तो ये पी डैश का मान हो गया। तो यहां पर अपन पी डैश का मान रखेंगे तो पी आई बराबर पी प्लस पी डैश की जगह अपन लिखेंगे a n स्क्वायर बटा v स्क्वायर। अब अपन ने आदर्श गैस समीकरण जो लिखी थी PV बराबर nRT और P और V को संशोधित करके लिखना था, तो P और V को अपन ने P का संशोधन PI मान लिया, V का संशोधन VI, तो nRT, तो PI का मान तो ये आ रहा है अपने पास P प्लस a स्क्वायर बटा V स्क्वायर, और VI का कल संशोधन किया था अपन ने पिछली क्लास में, तो VI बराबर V माइनस NB, तो ये V माइनस NB और बराबर एन आर टी, तो ये एक एन मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण को बदल के लिखा है, और ये सुधार वांडरवाल ने किया था इसलिए इसको हम वांडरवाल समीकरण कहते हैं। अगर अपन एक अणु के लिए बात करेंगे तो एन बराबर एक मोल हो जाएगा, एक मोल गैस की बात करेंगे तो पी प्लस एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर आर टी, एक मोल गैस के लिए ये वांडरवाल समीकरण हो जाती है। तो यहाँ a स्मॉल और b स्मॉल यानी कि ये दोनों वांडरवाल स्थिरांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, b एक आयतन का पद है तो इसका मात्रक आयतन के अनुसार ही हो जाएगा, p एक दाब का पद है इसलिए इसका मात्रक जो दाब का मात्रक होगा वो होगा, तो p का जो मान है वो आमतौर पर लगभग सभी गैसों के लिए 20 से 60 मिलीलीटर प्रति मोल के हिसाब से होता है, लीटर प्रति मोल इसका मात्रक होता है बी का। अब अपन इसके मात्रकों की भी गणना कर सकते हैं, ये तो आपके संशोधित आदर्श गैस समीकरण, संशोधित आदर्श गैस समीकरण यानी कि वांडरवाल समीकरण आ गए। अब अगर अपन पी के लिए मान निकालें, ए और बी के मान निकालें, स्मॉल ए और बी के मात्रक, तो पी बराबर अपना आ रहा है ए एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, पी एक दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और वी एक आयतन का मात्रक है और आयतन होता है मीटर क्यूब यानी घन मीटर का स्क्वायर, और एन मोलों की संख्या है यानी कि मोल का स्क्वायर, तो बराबर ये तीन दूनी छह मीटर के सिक्स हो गई, यानी मीटर के माइनस में दो है तो मीटर का चार बचेगा, तो न्यूटन मीटर पर प्रति मोल स्क्वायर, ये ए का मात्रक हो गया ऐसा ही मात्रक, जबकि वी बराबर ये बी बराबर जो है था ये आपका वी बराबर एन बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा वी बटा एन, तो V अगर लीटर में माने L को अगर अपन मोल में माने तो लीटर प्रति मोल हो गया, और ऐसा ही मात्रक माने तो ये मीटर क्यूब हो जाता है और बटा ये मोल हो जाएगा, तो मीटर क्यूब प्रति मोल, तो ये वांडरवाल स्थिरांक A का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन मीटर पर प्रति मोल स्क्वायर, और ये B का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर क्यूब प्रति मोल, और सामान्य मात्रकों में भी अपन इनको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ वी का अगर अपन लीटर माने तो ये लीटर प्रति मोल हो जाएगा, और यहाँ इसका अगर अपन सामान्य मात्रक निकालें ए बराबर, तो फिर दाब का मात्रक अपन लिख देंगे एटीएम, और वी स्क्वायर का मतलब लीटर स्क्वायर और बटा मोल स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर, तो ये ए का ये मात्रक हो गया सामान्य पद्धति में, और ये ए का मात्रक हो गया एसआई पद्धति में,
बी का मात्रक सामान्य पद्धति में लीटर प्रति मोल और एसआई पद्धति में मीटर क्यूब प्रति मोल होता है। इस प्रकार से ए और बी के मात्रकों को ज्ञात किया जा सकता है। अब वांडरवाल समीकरण, जो वांडरवाल ने दाब और आयतन में सुधार करके बनाया था, वांडरवाल समीकरण के अनुसार अपन गैसों के वास्तविक दाब और आयतन की गणना भी कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल मान ले अपन के 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि टी बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मेथेन गैस के 2 मोल, तो एन बराबर हो जाएगा 2 मोल। 5 लीटर के एक फ्लास्क में रखा गया है, तो वी बराबर हो गया अपने पास 5 लीटर। अब इसके लिए आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए और वांडरवाल समीकरण का उपयोग करते हुए गैस के दाब की गणना करना है, यानी कि P को अपन को काउंट करना है। और यहां इसमें A का मान दे रखा है 4.17 और ये आपका एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर प्रति मोल, और B का मान 0.0317 लीटर प्रति मोल। तो ये A और B के मान आपको दिए हुए हैं। तो आपको आदर्श गैस समीकरण के अनुसार कितना दाब होना चाहिए अगर इसको आदर्श गैस मान के चले तो, और फिर वास्तविक गैस जो आप मानकर चलेंगे तो वहां दाब कितना होगा, तो वास्तविक दाब आदर्श गैस के दाब से कम आना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करेंगे, तो पीवी बराबर एन आर टी, तो पी बराबर हो जाएगा एन आर टी बटा वी, तो n का मान 2 × r का मान 0.082 होता है, जो अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया है, और t बराबर इसको केल्विन में चेंज करो तो +273 इसमें जोड़ते ही 300 केल्विन हो जाएगा, तो t का मान हो गया आपके 300 और बटा v 5 लीटर है। अब इसको कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे, 6×5=30, तो B80 को 2 से गुणा करेंगे तो 2×4 × 8×16 164 पॉइंट के बाद 3 अंक है, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6×24 हासिल 2, 6×36 और 2×38 हासिल 3, 6×1=6 × 3=9, तो और 0 और पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1, 2, 3 अंक छोड़कर तो ये हो जाएगा अपने पास 9.84 एटमोस्फियर दाब का जो मात्रक है। तो आदर्श गैस मानते हुए अगर इस गैस के दाब की गणना करेंगे तो ये आएगा 9.84 वायुमंडल। अब अगर वास्तविक में ये नहीं आएगा, इससे घटकर आएगा, क्योंकि वास्तविक में गैस के दाब अणु दूसरे अणु गैस के अणु को पीछे की ओर आकर्षित करते हैं, तो वास्तविक दाब कुछ घटकर आएगा, तो 9.84 से कम होकर आएगा, जो अपन वांडरवाल समीकरण से अपन निकाल सकते हैं। तो अब वांडरवाल समीकरण का यूज करेंगे अपन, तो वांडरवाल समीकरण हो जाएगा पी आई वी आई, तो पी आई की जगह तो हो जाता है पी प्लस ए एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर और इंटू वी आई, तो ये हो जाएगा वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। अब हमको इसमें पी निकालना है, तो पहले तो इस पद को इधर भेज दे अपन, तो पी प्लस एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बराबर, तो ये एन आर टी के बटे में चला जाएगा वी माइनस एन बी, और इस प्लस वाले मान को उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो पी बराबर एन आर टी बटा वी माइनस एन बी और माइनस एन स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट मान डालकर कैलकुलेट करेंगे अपन, तो एन बराबर 2 मोल × r का मान 0.082 इंटू टी का मान 300 और बटा वी 5 माइनस एन का मान 2 × b का मान दे रखा है अपने पास 0.0317 और माइनस इधर ए का मान हो गया अपने पास 4.17 इंटू एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2×4 और बटा वी का स्क्वायर यानी कि 5×5=25, तो 2×0.082×300 बटा 5 माइनस, इसको 2 से गुणा करके रखेंगे तो 7×14 हासिल 1, 2×2 = 3 और 3×6
तो 0.0634। अब इनको गुणा करके इसका भाग देंगे अपन, और इधर 4.17 × 4/25। तो जब आप 2 को 0.082 से गुणा करके फिर 300 से गुणा करोगे और 5 में से इसको घटा कर इसका भाग दोगे तो ये मान आएगा आपके 9.99। और माइनस इधर इसको गुणा करके 25 का भाग दोगे तो ये 0.67, तो ये 9.32 के लगभग आना चाहिए। 9 में से 7 गए तो 2, 6 गए तो 3, 88। तो इस प्रकार से अपन ने आदर्श गैस मानकर दाब निकाला तो 9.84 वायुमंडल आ रहा है, जबकि वान डर वाल के अनुसार वास्तविक दाब की गणना की तो ये केवल 9.232 वायुमंडल आ रहा है। तो वास्तविक दाब आदर्श गैस के दाब की अपेक्षा कम आता है। तो इस प्रकार से हम गणनाएं कर सकते हैं और आदर्श गैस की अपेक्षा दाब में कितनी कमी आई या आयतन में कितनी कमी आई उसकी गणना हम वान डर वाल समीकरण से कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, फिर अपन इसके आगे अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।